अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ, कंगन के लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। ये कंगन के लोगों की जीत है, मैं उनको इस जीत पर मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और मुझे यकीन है कि जो ये उम्मीदवार इलेक्ट हुए हैं वो लोगों की खिदमत करेगा और लोगों के जो ख़ास तौर पे मसाइल हैं उनकी तरफ तवज्जो देगा और भरपूर कोशिश करेगा कि लोग जो हैं वो मतमईन रहें और लोगों के मसले हल हों। मैं आप सब का हजरात का भी बहुत बहुत मशहूर हूँ कि आप में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने जो सही हकीकत थी वो वक्तन फवक्तन लोगों के सामने लाते रहे, तो उसके लिए मैं आपका भी शुक्रगुजार हूँ। और मुझे यकीन है कि आगे भी आपकी जो ये सोच और अप्रोच है ये हमारे साथ जारी रहेगी। सेकंड वोट दिया लोगों ने, ये बहुत बड़ी विक्ट्री है। 77 के इलेक्शन जैसी विक्ट्री है ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए। इतनी बड़ी जीत हासिल करने के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस की जिम्मेवारियां भी बढ़ गई हैं, जो लोगों को उनके साथ तवक्कात हैं। ये काफ़ी मुश्किल काम होगा नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप के लिए कि वो इन एक्सपेक्टेशंस पे पूरा उतरे। हम लोग अगर मुत्तहिद रहे, जो लोग जिन्होंने एनसी को वोट दिया है, तो मुझे यकीन है कि इस मरहले पर जिस तवक्के से लोगों ने एनसी को वोट दिया है, नेशनल कॉन्फ्रेंस लोगों की जो तवक्कात हैं उसके खिलाफ नहीं कोई चीज़ भी करेगी और ख़ास तौर पर जो सियासी मसला है उसमें पेशरफ्त होगी। सर, भाजपा अपना खाता नहीं खोल पाई है कश्मीर वादी में, अपनी पार्टी की भी कारकर्दगी वैसी नहीं रही, तो देखिए ना, मैं तो हम तो पहले ही कह रहे थे कि 5 अगस्त 2019 का फैसला लोगों ने कबूल नहीं किया, तो हमारी बात सही साबित हुई कि लोगों ने यकतरफा फैसला दिया। तो जो हार गए, मुझे तो उनसे भी हमदर्दी है, मेरी उन लोगों से भी दोस्ती है, ताल्लुकात है। सियासत में जीत हार लगी रहती है, हम कभी ये नहीं कह सकते कि परमानेंटली कोई जीतता है या परमानेंट हारता है, लेकिन इस वक्त हम मालिक का शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें कामयाबी दी और हम लोगों की ख्वाहिशात पे पूरा उतर सकते। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा तो नहीं आ सर, कच्चा नहीं रहा, मेरे ऊपर से।